नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ वेस्ट अफ्रीका का देश सियारा लियोन पे, और मेरे को बहुत सारे वीडियो में कमेंट में आ रहा था कि सियारा लियोन में किस तरीके का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो आज मैं बात करूँगा सियारा लियोन में बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। सियारा लियोन एक इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री होने के कारण सियारा लियोन में सुई से लेकर के ह्यूमन हेयर हर चीज़ का आयात होता है। तो चलिए, क्या क्या बिज़नेस यहाँ पर इस देश में किया जा सकता है, कौन सा बिज़नेस यहाँ पर प्रॉफिटेबल है और कौन सा बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो टी शर्ट मैं अभी पहन करके बैठा हुआ हूँ सियारा लियोन पे, तो मैंने ये टी शर्ट सियारा लियोन पे ही ख़रीदा था, और सियारा लियोन पे इसका दाम था उस टाइम इंडियन रुपीज़ में 2500 रुपीज़, और इस टी शर्ट का इंडिया में मैक्सिमम प्राइस है 300 रुपया। तो अगर फ्रेट चार्ज और बाकी सारा चीज़ों को जोड़ लिया जाए तो मैक्सिमम इस टी शर्ट को यहाँ पर ले आकर के बेचने में मेरे को खर्चा होगा 1500 रुपया मैक्सिमम। तो एक टी शर्ट बेचने के बाद मेरा प्रॉफिट होगा 1000 रुपीज़। तो अगर महीने का मैं 100 टी शर्ट बेच दूँ तो मेरे को प्रॉफिट होगा सीधा सीधा 1 लाख रुपया। तो आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि मैं पहले बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ तो मैं टी शर्ट क्यों नहीं बेचता हूँ अगर इतना ही प्रॉफिट है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन से नहीं होता है। बिजनेस में और भी बहुत सारे चीज़ को ध्यान में रख करके बिजनेस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आपको बताते हैं कि सियारा लियोन में बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारे सियारा लियोन में रह रहा है 10 साल, 15 साल और उससे भी ज़्यादा सालों से रह रहा है इस देश में, कुछ इंडियन भाइयों से बात किया, और इंडिया से आए हुए लोग जो यहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है उनसे भी बात किया, और उनका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस जोड़ करके ये वीडियो का कॉन्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक जुड़े रहिए, मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा कि सियारा लियोन में किस तरीके का अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके का बिज़नेस हो सकता है। तो पहले हम शुरू करते हैं कि सियारा लियोन इस वेस्ट अफ्रीका का देश में क्या रिसोर्सेस है। इसका इस देश में जो मेन रिसोर्सेस है वो है नेचुरल मिनरल्स। मिनरल्स इस देश का मिट्टी में मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और उसके बाद इसका इस देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाली लैंड है। उसके बाद इस देश में एक बहुत लंबा समुद्री तट है, और यहाँ का मैन पावर चीप सस्ता बोला जा सकता है, बट स्किल उतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ मैन पावर यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये चार रिसोर्सेस इस देश में हैं। अभी आ जाते हैं बिजनेस पे, बिजनेस किस तरीके का नॉर्मली इंडियन यहाँ पर करते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो लोग यहाँ पर खास करके सियारा लियोन डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर डायमंड माइनिंग, गोल्ड माइनिंग यही सब होता रहता है, और लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। इंडिया से जब नया कोई आता है तो वो भी एक्साइटेड होता है। तो मैं आपको बता दूं, माइनिंग बिजनेस के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन आपके पास सही मशीनरीज़, सही टेक्नोलॉजी और सही जानकारी, मतलब उस माइनिंग एरिया में आपका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जा करके इस देश में माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये पूरा किस्मत का गेम है। तो माइनिंग सेक्टर में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो माइनर्स के लिए ज़्यादातर क्या होता है कि ये माइनिंग का काम में एसेट बिल्डिंग नहीं होता है, तो आपका सारा पैसा आप लिक्विडेट करते रहते हैं कि इस उम्मीद में कि कभी आपको डायमंड मिलेगा। अगर आपको डायमंड मिल जाए, या कोई भी मिनरल्स के खोज में आप इस देश में आए हुए अगर मिल जाए, तो आपके लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल ऑप्शन हो सकता है। आप रातों रात दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन सकते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए आपके पास सही तजुर्बा, आपके पास सही मशीनरीज और सही टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तभी आप आकर के यहाँ पर अपना किस्मत, ये किस्मत का भी गेम है, तो आप यहाँ पर आकर के किस्मत आजमा सकते हैं। डायमंड माइनिंग का मैंने एक डिटेल में वीडियो, किस तरीके का डायमंड माइन हो रहा है यहाँ पर, मैंने कल अपलोड किया है इस चैनल में। मिनरल्स में और एक काम यहाँ पर बहुत बहुत बढ़िया चल सकता है और चल भी रहा है, वो है ट्रेडिंग का काम। जैसे डायमंड जो दुकान से, मतलब जो यहाँ पर जो छोटा छोटा डायमंड खरीदने का जो दुकान है और जो भी डीलर है यहाँ का, वो गाँव से डायमंड खरीदता है, गाँव के लोगों से और बाकी सारा जगह से डायमंड खरीदता है। तो उसके लिए चाहिए एक सही वैल्यूएटर, मतलब जो डायमंड बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि डायमंड का जो वैल्यूएटर जो वैल्यूएशन करता है कि ये डायमंड का प्राइस इतना होगा, क्योंकि रफ डायमंड जब आता है तो उसको देखने में एकदम पत्थर की तरह होता है। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस वैल्यूएटर हैं, या तो आपके पास एक एक्सपीरियंस वैल्यूएटर आप
आपके पास आपके आप कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं, उसको ले आकर के यहाँ पर डायमंड ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेन चीज़ चाहिए पैसा, बहुत सारे कैश लेकर के आपको आना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड खरीदने के बाद आपको तुरंत पेमेंट और बाकी सारा चीज़ करना पड़ेगा। सिर्फ डायमंड ट्रेडिंग ही नहीं, गोल्ड ट्रेडिंग, डायमंड ट्रेडिंग और बाकी सारा मिनरल्स का ट्रेडिंग आप यहाँ पर आकर के शुरू कर सकते हैं। ये गया नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद आएगा लैंड, जो मेरे को लगता है, मेरे खुद का एक्सपीरियंस लगता है कि इस देश का भविष्य होने वाला है वो चीज़, लैंड। आप यहाँ पर आकर के एग्रीकल्चर शुरू कर सकते हैं। लैंड यहाँ पर बहुत सस्ता मिलता है, ऊपर से लैंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है वो है बहुत ज़्यादा कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है लैंड, मतलब जो भी आप जैसे कोई भी खेती की आपने, बहुत ज़्यादा कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है। जैसे बहुत तरीके का बीमारी आ चुका है वहाँ पर, बट यहाँ पर अभी तक वो लैंड फर्टाइल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या तो बहुत ज़्यादा कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, तो ये एक मेन चीज़ है। और तीसरा चीज़ जो सबसे मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि इंडिया में सिचुएशन क्या हुआ कि इंडिया का मौसम थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो गया। जब भी कटाई का टाइम आता है तब भी कोई ना कोई साइक्लोन या कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाता है, जिसके कारण मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ इंडिया में, वहाँ पर जब भी धान की कटाई शुरू होता है तब वहाँ पर बारिश हो जाता है, लास्ट कुछ सालों से हो रहा है। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा, मतलब मौसम नहीं बिगड़ता है बहुत। मैंने बहुत लोगों से बात किया तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर मौसम नहीं बिगड़ता है, जैसे साइक्लोन, प्राकृतिक आपदा, वो सब नहीं होता है, मौसम नहीं बिगड़ता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर का बिज़नेस करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर बहुत सस्ता मिल जाएगा। आप यहाँ पर आकर के आप यहाँ पर बहुत तरीके का, जैसे राइस यहाँ पर, राइस का बिज़नेस यहाँ पर इसलिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि इस देश का जो स्टेबल फूड है ना वो राइस है। तो आप यहाँ पर आकर के राइस का खेती कर सकते हैं, क्योंकि राइस यहाँ पर सारा, मतलब 99% राइस यहाँ पर इम्पोर्ट होता है बाहर की देशों से। तो आप यहाँ पर अगर राइस का खेती बाड़ी करेंगे और यहीं पर राइस बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत जो भी आपके मन में आ रहा है खेती हो सकता है वो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इस जगह का ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और मैन पावर यहाँ पर बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको। तो मैन पावर लेकर के आप शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, लेकिन स्किल्ड मैन पावर का थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट हाँ, आप उसको ट्रेनिंग दे करके आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है फार्मिंग का मतलब है कैटल फार्मिंग आप कर सकते हैं। कैटल फार्मिंग मतलब गाय पालना और भी गाय पालना, पोल्ट्री फार्म करना, क्योंकि गाय यहाँ पर, काऊ यहाँ पर बहुत महंगा बिकता है और ऊपर से मिल्क भी यहाँ पर सारा कॉन्डेंस मिल्क और जो भी पैकेजिंग मिल्क मिलता है वो बाहर से इंपोर्ट होकर के आता है। तो आप अगर सही तरीके से काऊ फार्मिंग किए और उसमें से मिल्क आप बेचे और जो भी आप बेचे वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पोल्ट्री इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो चिकन आता है वो सारा फ्रोजन चिकन बाहर की देशों से आता है इंपोर्ट होकर के। तो आप अगर पोल्ट्री का शुरुआत किए तो यहाँ पर अंडा भी आप बेच सकते हैं और पोल्ट्री भी, मुर्गी भी बेच सकते हैं। और जगह क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ता है तो आप यहाँ पर जगह आसानी से आपको मिल जाएगा और आप ये सब सारा चीज़ कर सकते हैं। मैंने जो बताया अभी तक वो है मिनरल्स का, जो यहाँ पर मिनरल्स मिलता है उसका आप माइनिंग कर सकते हैं, उसका आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा है लैंड को लेकर के, लैंड में आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग या तो आप कैटल फार्मिंग कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और तीसरा जो इंडिया से आए हुए मेरे भाई बंधु ने यहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस सबसे ज़्यादा करता है, वो है बाहर के देशों से सामान इंपोर्ट करके इस देश में बेचना, क्योंकि सियारा लियोन एक पूरे के पूरा इंपोर्ट ड्रिवेन कंट्री है। तो इंपोर्ट ड्रिवेन कंट्री होने के कारण सारा चीज़ सुई से लेकर के माथे के बाल तक इस देश में इंपोर्ट होता है। तो इस देश में हर तरीके का चीज़ इस देश में इंपोर्ट होने के कारण यहाँ पर इंडिया से और बाकी सारे देशों से लोग यहाँ पर आकर के उस देश में जो भी उस आदमी का ओरिजिन है उस देश में और बाकी सारे देशों से सामान इंपोर्ट करवाता है इस देश में। तो जो भी फील्ड में आप है उस फील्ड में वो सामान आप इस देश में इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको मैं इंपोर्ट के लिए कुछ चीज़ मैं बता दूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिल्डिंग मटेरियल्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो इंपोर्ट का दुकान है, बिल्डिंग मटेरियल्स, खाने का सामान, राइस, ह्यूमन हेयर। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन हेयर एक्सपोर्टर है, तो वो जो ह्यूमन हेयर एक्सपोर्ट करते हैं वो अफ्रीका में ही आता है। तो ह्यूमन हेयर और भी बाकी सारा चीज़, अच्छा सबसे बड़ा चीज़ क्लोथ, ये गारमेंट्स बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है यहाँ पर। तो गारमेंट बिजनेस के लिए
सबसे जो एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सामान एक तरीके का गारमेंट्स बिकता है, उसको जोंग्स कहा जाता है। तो जोंग्स के साथ आपका जोंग्स आपका कंपटीशन ना बन जाए, तो वो आपको एक बार चेक कर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया इम्पोर्ट बिजनेस। इम्पोर्ट बिजनेस में आप जो भी सोच सकते हैं, जो भी आप इंडिया में सोच सकते हैं कि इस देश में चल सकता है, ये इस देश में जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं वो सारा चीज़ इम्पोर्ट होता है। तो आप जो भी सोच करके आप इस देश में आइएगा और आकर के यहाँ पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, और जो चौथा चीज़ है वो है यहाँ पर बहुत लंबा समुद्री तौट है, मतलब टूरिस्ट के लिए कुछ कर किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सियारा लियोन खास करके अफ्रीका का ये वेस्ट पार्ट में लोग टूरिज्म के कारण यहाँ पर नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, इंडिया से भी बहुत ज़्यादा दूर है, वेस्टर्न कंट्री से भी थोड़ा सा दूर है। तो इसलिए ये एक अच्छा चॉइस अभी तक लोगों का नहीं बना है, लेकिन आगे वाले दिनों में ये बन सकता है। लोग यहाँ पर घूमने के जो टूरिस्ट पर जो भी यहाँ पर समुद्री तट है वहाँ पर लोग ऐसे विदेशों से आकर के घूमने नहीं जाता है, जो यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं वही जा कर के घूम के आता है। तो ये था बिज़नेस का एक हिस्सा। अच्छा, बिज़नेस करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका अगर प्रोप्राइटरशिप है और आपका अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दोनों के लिए आपको बिज़नेस को पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है, लोकल बॉडी है, उनके वहाँ पर जा करके आपका बिज़नेस को फिर से एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एरिया में। और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोसेस है, बहुत बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही हल्का प्रोसेस है, आप शुरू कर सकते हैं। बिज़नेस में खर्चा क्या आएगा, सबसे बड़ा खर्चा जो आएगा, जो भी अगर आप एग्रीकल्चर बिज़नेस पे हैं तो लैंड लेना पड़ेगा लीज में, और अगर आप इम्पोर्ट बिज़नेस करके यहाँ पर कुछ सामान बेचना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी जगह चाहिए, जगह इन द सेंस जो वायर हाउस चाहिए या जो भी चाहिए, उसके लिए वो खर्चा आएगा। खर्चों और बाकी सारा खर्चा तो कुछ है नहीं, आप आएंगे तो आपका जो एक्सपेंसेस होगा वो एक्सपेंसेस होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर बिज़नेस में आपको कुर्सी की पेटी नहीं बांधना पड़ेगा, क्योंकि मौसम यहाँ पर नहीं बिगड़ता है। बाकी बिज़नेसों में आपको हमेशा कुर्सी की पेटी टाइट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। अगर आपका छोटा बिज़नेस है तो आप खुद से चला सकते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से चला सकते हैं। लेकिन आपका थोड़ा सा बड़ा बिज़नेस है और आप यहाँ पर इस देश में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सपैट्स ज़रूर बुलाना पड़ेगा। सिर्फ इंडिया से ही नहीं, आप बाकी देशों से भी बुला सकते हैं। एक्सपैट्स का बिना यहाँ पर बिज़नेस करने में आपका मौसम बिगड़ सकता है, तो इसलिए इस देश में अगर बिज़नेस करना है तो आप आइए एक्सपैट्स के साथ, और इस देश में आकर के घूम के जाइए पहले कि यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, प्रोसेस एकदम सिंपल है। अगर आपके पास आपको पता है कि बिज़नेस करना है इस देश में, तो प्रोसेस के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी ऑलरेडी और इंडिया से लोग यहाँ पर ऑलरेडी जो रह रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा, मतलब इन द सेंस बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोगों का खुद का तजुर्बा है। तो किसी भी इंडियन से आप मिलिए और वो आपको पूरा मदद करेगा। आपको अगर इसके बिना भी कुछ जानकारी आपको चाहिए कि इस देश में क्या और भी कुछ जानकारी, और भी जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है जो मैंने स्किप कर चुका हूँ, तो मेरा इस चैनल में अबाउट सेक्शन में जा करके मेरा ईमेल आईडी लेकर के मेरे को मेल कीजिए। तो उम्मीद है कि जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को अगर क्वेरी आपका सही लगा और क्वेश्चन ठीक ठाक लगा, उस पर्टिकुलर डॉक्टर को आपका नंबर दे दूंगा, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। अगर सियारा लियोन से कोई मेरा वीडियो देख रहा है और उनको लगता है कि ये बिज़नेस भी यहाँ पर हो सकता है, वीडियो में मैंने वो स्किप कर दिया हूँ, तो जाकर के कमेंट सेक्शन में छोड़ के आइए उनका कमेंट। तो कोई भी अगर इंडिया से ये वीडियो देख रहा है जिनको बिज़नेस करना है, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अगर कोई स्किप कर गया हूँ मैं, इस तरीके का बिज़नेस हो सकता है इस देश में। जिस देश में आप बिज़नेस करने जा रहे हैं वो देश कैसा होगा, वो देखने के लिए मेरे इस चैनल में बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।